यूपी सरकार के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने R9 टीवी से बातचीत की है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के काम, गंगा सफाई समेत कई मुद्दों पर बात की। देखिए उन पर खास बातचीत। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना हमारे साथ है। सर, जेवर एयरपोर्ट को लेके लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है, अब तक क्या कुछ? देखिए, जेवर एयरपोर्ट के काम जितनी तेजी से हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी प्रोएक्टिव रोल किया उसमें, उतना शायद इतना पहले कोई भी एयरपोर्ट इतनी जल्दी समय के अंतर्गत लैंड एक्विजिशन के साथ साथ टेंडर प्रोसेस खत्म करने के बाद साथ अवार्ड नहीं किया हो गया। मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, और जिस समय इस प्रकार की रिप्यूटेड कंपनीज जिस समय एयरपोर्ट बनाने के लिए आएंगी, तो उनको भी जल्दी होगी उसको समय से उसको पूरा करें। मुझे लगता है कि अगले 2 वर्ष में जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। सर, नोएडा अथॉरिटी के अंडर में कई सरकारी ऑफिस ऐसे जिन्होंने आज तक किराया नहीं भरा है, उन्हें लेकिन अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस जारी किया और खाली कराने की बात भी हो रही है। अब जो भी सरकारी ऑफिसर्स ऑफिसर्स के लिए एक दूसरे के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी होती है, जो ड्यूज है, वो देने चाहिए। सर, आप यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, आप कानपुर से आते हैं कई बार के मेले, एक बार फिर इस तरह की खबर आई कि शीशा मऊ का जो नाला है उसे गंगा जी के लिए गंगा में खोल दिया गया, और कल कई खबरें जो है वो इस तरह सामने आई। आप आइए कानपुर में देखिए, तो फिर बताइए, अपने कैमरे को भी ले चलिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने जो गंगा के लिए निर्मल और स्वच्छ गंगा बनाने का जो संकल्प लिया है, इस बात से उसका प्रमाण मिलता है कि प्रधानमंत्री जी 5 घंटे से ज्यादा कानपुर में रहे, और उसके ऊपर उन्होंने गंगा बेसिन अथॉरिटी के सारे राज्यों के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ वहां पर मीटिंग करी। और जिस समय प्रधानमंत्री की चिंता है, तो उस समय इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उस जनहित के काम में लगना चाहिए। शीशा मऊ नाला टैप किया था, जिसका डायवर्जन कर दिया गया था, और वो डायवर्जन के रास्ते के ऊपर ही वो अपना जा रहा पानी। ऐसी तो योगी जी ने वहां पे सेल्फी भी खिंचवाई थी और नाला पूरी तरह से बंद था, लेकिन अभी जब बरसात हुई तो उसके बाद इस तरह की तस्वीर है। बारिश में जिस समय भी बारिश होती है, और उस समय बारिश में एकदम पानी साफ है, और पानी बारिश का जब होता है वो स्वच्छ पानी होता है, तो वो अगर कोई कहे कि बारिश का सारा पानी टैप होकर उसमें चला जाए, तो उसमें हो सकता है उसकी उस क्षमता ना हो, लेकिन शीशा मऊ नाला जो टैप किया गया था और उसका डायवर्जन किया गया था, तो वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। आपको लगता है जांच का विषय नहीं है? एकदम नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सतीश महाना, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि लगातार जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है, वक्त रहते से पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।